भाई साहब, आप सभी को ये कहावत पता होगी, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओ तो डर जाएगी, पर कढ़ाई में डालो तो पक जाएगी। तो इसी के साथ बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का रचित और ब्लॉग्स के अंदर। और आज जो हम लोग बहुत ही खास जगह पे आए हैं, फिलहाल जो है बर्ड फ्लू चल रहा है, इसलिए हम लोग जो चिकन नहीं खा सकते। खैर, हमारे पास उसका भी सोल्यूशन है। हम लोग आ गए हैं मछली खाने के लिए मझाली जगह के ऊपर, जहाँ पर एम्बियंस तो यानी इतना ही बढ़िया है, और उसके अलावा यहाँ पर जो है खाना भी बहुत सही है। हम लोग देखेंगे कैसा खाना है, क्या है सब कुछ। पहले चलते हैं अंदर और देखते हैं भाई किस तरीके का माहौल है अंदर। वाला जो एरिया है वो नीचे का एरिया है, बट बहुत ही अमेजिंग चीज़ जो है वो है ऊपर भाई। वहाँ पे जो है ओपन एयर डाइनिंग एरिया है पूरा, तो वहाँ पर जो है नज़ारा भी बहुत बढ़िया होगा, हवा होगी, साथ में मछली होगी, तो क्या ही मज़ा आएगा। तो ऊपर ही जाते हैं यार, ऊपर जो है बहुत ही बढ़िया, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, पूरा ओपन, पूरा हमारे लिए, क्या ही बात है यार, क्या ही बात है। दिखाओ भाई कि वो दिखाओ इनको। तो ठीक यहीं पर जो है हम लोग बैठने वाले हैं, और अब बढ़ते हैं मछली की तरफ कि हम लोग क्या खाने वाले हैं। तो सीधा जाएंगे किचन की ओर। और एक टिप आपको अभी बोल देता हूँ कि यहाँ पर जो है फ़ोटो बहुत बढ़िया आता है। अगर फोटो देखना है तो मेरे इंस्टाग्राम पे जाइए, फॉलो कीजिए, तो आपको समझा कि यहाँ पर किस तरीके का फ़ोटो मैंने निकाला है। खैर, बढ़ते किचन की तरफ और देखते कि शेफ़ ने हमारे लिए क्या बनाया है, यानी आपके लिए क्या बनाया है, देखते हैं। सुरमे में काटा एक ही होता है ना? सुरमे में काटा एक ही होता है। वी हैव जंबो पॉपलेट एज वेल। ओके, माय गॉड, ये देखे गाइस, दिस इज अ जंबो पॉपलेट, क्या बात है। ये मेरी सुरमे की ग्रेवी बन रही है। ओके, so my staff is itself from Tamil Nadu, right? And they have made their own homemade spices. So this is their homemade, home ground peach for them making these spices again. And obviously our prawns, prawns bhi aane wale hai. So prawns bhi aane hai. Prawns is also on the way, and together with prawns I'll send you appam and neer dosa. Okay, so you will have more flavor with it. Oh, and you can God. Enjoy it more. How is neer dosa different from normal dosa? Neer dosa is different because it's very much thin in the texture. Okay. And it's just lightweight compared to the other okay. dosa. It's okay. only a rice flour. Nice, nice. तो बस वेट करते हैं, कभी आएगा। और इसका पहले टेस्टिंग में बताता हूँ आपको, तो बस शुरुआत करते हैं यार। थैंक यू सो मच प्रथमेश। थैंक्स। बहुत ही बढ़िया होने वाला है यार, क्या ही बात है। एंड सुरमई इज अ फिश, जो आपको बता दूँ, जिसके अंदर सिर्फ एक ही काटा होता है। सो इसको खाना भी बहुत सिंपल है एंड टेस्टी बहुत होता है ये। सो बहुत ही बढ़िया यार, मुझे कि ये फ्लेवर में काफ़ी लाइट है, मतलब इट्स नॉट लाइक बहुत ज़्यादा स्पाइसी ऐसा भी नहीं है, एंड नॉट विदाउट एनी फ्लेवर ऐसा भी नहीं बोल सकते। फ्लेवर्स में लाइट है, यू गेट द फिश, वेरी टेंडर फिश, बहुत ही टेंडर फिश है, बहुत ईजीली ब्रेक हो रहा है। देखिए हाउ टेंडर द फिश इज, बहुत ही बढ़िया यार, मज़ा आ गया। लेट्स सी हाउ डज दिस गो, कितना टेंडर है भाई, देखो कितना आसानी से टूट रहा है, किसी चीज़ का टेंशन ही नहीं, इसमें काटा ही नहीं है। अब ज़्यादा से ग्रीन वाला बहुत ही बेटर है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है कम्पेयर टू दिस। ऑन एन ऑनेस्ट ओपिनियन मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगा, सो विन विन फॉर दिस वन, मैं पक्का खाऊंगा। ये पनीर कितना टेंडर है भाई, कितना बढ़िया टेंडर है, एक बार देखिए हाउ जूसी दिस इज। आपको मैं एक बार हाथ से फील करा के दिखाता हूँ, बहुत ही ज़्यादा जूसी है, देखिए दिस थिंग, बहुत ही ज़्यादा, देखिए। और ये पूरा घी है, डोंट वरी, दिस इज़ नॉट ऑयल, दिस इज़ घी, बहुत ही बढ़िया, माय गुडनेस, नाइस। इट मीन्स लाइक कि पनीर को अगर जो मछली का टेस्ट दिया जाए तो किस तरीके से आ सकता है, बिकॉज हर चीज़ में यहाँ पे इन लोगों का एक मछली का टच है, तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। ये जो आप देख रहे हो दैट इज़ ऑथेंटिक बांगड़ा फ्राई, ठीक है, बहुत ही बढ़िया भाई साहब। और ये बहुत ही गर्म है, फॉर योर इन्फॉर्मेशन गाइज,
आय हाय हाय हाय, देखिए कितना टेंडर है, देखिए बहुत ही बढ़िया। तो ये जो हम लोग टेस्ट करेंगे, पर बहुत इम्पोर्टेंटली यहाँ पर जो है ये जो चटनी आप देख रहे हो ये हल्दी की चटनी है। दिस इज़ अ हल्दी की चटनी और दिस इज़ द गेम चेंजर। इतनी बढ़िया है कि भाई तुम्हारे फिश का स्वाद ही बदल जाएगा। बहुत ही बढ़िया, एक बार ध्यान से देखिए क्या बात है। एंड लेट्स हैव इट यार, लेट्स हैव इट। डूड आई एम नॉट किडिंग, इट्स अ मस्ट ट्राई। बहुत मज़ा आ गया। इसमें कांटे हैं तो ज़रूर संभाल के खाना, बट ये देखिए कितना टेंडर है। ये देखिए, ओ माय गॉड क्या बात, बहुत ही बढ़िया है यार। बना चुका है प्रॉन्स मल्लीपुरम अलोंग विथ नीर डोसा। ये इतना पेपर जितना ये जो है लाइट है, दिस डोसा इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। बहुत ही पेपर जितना लाइट है एंड एब्सोल्युटली ये नॉर्मल डोसा से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। टेस्ट में पता नहीं बट हमको समझेगा। अलॉन्ग विद दैट वी हैव अप्पम ओवर हियर। अप्पम तो भाई आप सभी को बता रहा, दिस इज स्पेशल साउथ इंडियन डिश। करो दिस इज जस्ट गोइंग विद द मसाला विद दे हैव अलॉन्ग विद इट। माय गुडनेस, बहुत ज़्यादा रिच फ्लेवर है, एज इन क्रीमी है। कोकोनट का बहुत ही सही पंच बैठता आपके मुंह के अंदर एंड इट गोज एब्सोल्युटली फाइन एयर। एंड ऑब्वियसली द प्रॉन्स, आई मीन सिर्फ प्रॉन्स भी टेस्ट करना है, सो लेट्स गो फॉर इट। नाइस भाई, प्रॉन्स इज लव, प्रॉन्स इज एब्सोल्युटली लव, बहुत ही बढ़िया। आई लव दैट हाउ सॉफ्ट दिस अप्पम इज, लाइक नेक्स्ट लेवल सॉफ्ट। बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट है यार, मैंने ऑलरेडी तोड़ के रखा है बट इट गोज सो अमेजिंग। आई नेवर थॉट, मतलब इतना अच्छा अप्पम मैंने आज तक लिटरली कहीं पे देखा नहीं है, ना मैंने खाया है। तो इसी के साथ जो है हमारा फाइनली डेजर्ट भी आ चुका है। और गाइज आपको आई एम नॉट किडिंग, इनके नाम लिटरली साउथ इंडियन बेस है और ये पूरा साउथ इंडियन ऑथेंटिक है। तो इनका जो नाम मैंने पेपर पे लिख के रखा है आपको मैं सुनाता हूँ। दिस इज़ ओके, यहाँ पे जूम करो, दिस इज़ लाइक वलायलाल हलवा, ठीक है। इसको जो है बनाना के पत्तों से बनाया जाता है और इट्स स्वीट ऑब्वियसली। उसके अलावा यहाँ पर जो है इट्स नोन एज येलायर पायसम, ठीक है। ये इट्स काइंड ऑफ अ खीर काइंड ऑफ थिंग। तो दोनों ही बहुत बढ़िया है एंड इनके जो है ऑथेंटिक डिशेस है, आपके लिए मैंने स्पेशली नाम लिख के रखे थे। तो यस, अभी इसको पहले टेस्ट करते हैं। पत्तों का हलवा, इसमें जो है डेफिनेटली लीफी टेस्ट भी आता है बट इट्स लाइक हमारे हलवे का भी टेस्ट इसके अंदर है। एंड यार आई वुड रादर से कि यार इट्स ऑथेंटिक साउथ इंडियन। मेरे को बहुत ज़्यादा फील आ रहा है कि यार ये बहुत ही बढ़िया है एंड इतना ऑथेंटिक मैंने आज तक नासिक में कभी खाया नहीं है एंड नासिक में हमको ये मिल रहा है तो बहुत ही बढ़िया ना। ये जो कोकोनट का जो ये होता है ना अंदर का फ्लैश होता है वो ये है, उन्होंने ये भी डाला है। वाई अभी इस तुमको समझा कि इसके अंदर कोकोनट का टेस्ट क्यों आ रहा है। तो गाइज आई वुड जस्ट से कि यहाँ पे हर चीज़ जो है, लाइक मेरा एनर्जी लेवल नेक्स्ट लेवल हो चुका है, हर चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छी है बट हर बार की तरह एक ही चीज़ बहुत बुरी है, वो ये कि यहाँ तक आप वीडियो देख के जो है इसको सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को और वीडियो को लाइक नहीं करते हो तो क्या ही मज़ा आएगा, तो क्या ही ऑथेंटिक फील आएगा यार अगर हम लोग वीडियो देख रहे हैं। तो यार प्लीज़ मेक श्योर आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही नए नए वीडियो के साथ में आते रहूँगा। और अगला वीडियो मोस्ट प्रोबेबली एक टूर होने वाला है एक ही चीज़ को लेकर, पूरे नासिक में घूमने वाला हूँ मैं। वेल इस करो, आपके कोई सजेशन हो गया तो कमेंट बॉक्स में पक्का मेंशन कीजिए एंड मेक श्योर कि आप यहाँ पे आए मझाली में मछली खाने, क्योंकि आपकी ये स्पेशलिटी है। विद दिस सेड, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टे हेल्दी स्टे फिट बट डोंट फॉरगेट स्टे हंग्री।